तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और रिवीजन का टाइम चालू हो चुका है, तो ये आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आए हैं साइंस पर आधारित, जो 6, 7, 8 की एससीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं। और इसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें आपको मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि 6, 7, 8 की साइंस से ही लिए गए हैं, तो उनको ज़रूर देखें क्योंकि यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर में एससीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो किसी भी वीडियो को देखना ना भूलें, किसी भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के वीडियो के कौन कौन से हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मूत्र का हल्का पीला रंग का वर्णक किस वर्णक के कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम। तो जो हल्का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। मधुमेह डायबिटीज़ के किस पौधे के बीज लाभदायक होते हैं? तो डायबिटीज़ में जिस पौधे के बीज लाभदायक होते हैं वह है जामुन। कब्ज ठीक करने में किस पौधे के बीज की भूसी लाभदायक होती है? तो वह होती है सबगोल या इसबगोल। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा किस पौधे की छाल से बनाई जाती है? आंसर है सिनकोना। मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? मोम और शहद। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आँखों में रतौंधी। जुकाम किस वायरस के कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण होता है जुकाम। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है मलेरिया। एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू या डेंगी कहते हैं उसको। H1N1 इन्फ्लुएंजा के संक्रामक रोग किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है स्वाइन फ्लू के नाम से, H1N1। या उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वाइन फ्लू को किस और नाम से जाना जाता है? तो आंसर H1N1 होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। मनुष्य द्वारा कौन सी ध्वनि तरंगों को सुना जाता है? श्रव्य ध्वनि तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। कुत्ता, चमगादड़ और डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? तो वह तरंगे हैं पराश्रव्य तरंगे। ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? तो वह बदल जाती है ध्वनि ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा की अति उत्तम कौन सी धातु है? रजत धातु। आकाशीय बिजली का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 99% क्वेश्चन आ सकता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? गैसीय CO2 को। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कार्बन का प्रतीक क्या है? सी। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो वह बना है कार्बो से। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? वह है हीरा। तो हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। मैथेन का दूसरा नाम मार्स गैस है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो द्रव सोना पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया? तो पहला तेल कूप खोदा गया था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के बाद अब 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेलकूप कहाँ खोदा गया? तो वह खोदा गया असम के मकक में। सौर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा घर कहाँ स्थित है? तो नरोरा बुलंदशहर में स्थित है।
एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। आयरन का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। कोलार खान में कौन सी धातु पाई जाती है? कोलार खान जो कि कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलार खान जो खान है जो कर्नाटक में है, उसमें सोना पाया जाता है। तांबा और जस्ता धातुओं से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो पीतल बनती है। लोहे में क्रोमियम मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो लोहे में क्रोमियम मिलाने से स्टील बनती है। पॉली वाइनिल क्लोराइड पीवीसी क्या है? तो यह है थर्मोप्लास्टिक। बकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बर्तन बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है मेलामाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? कानपुर, फूलपुर जो कि इलाहाबाद में है। बल का मात्रक न्यूटन है। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। सामान्यतः लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेट। चुंबकीय कंपास का आविष्कार सर्वप्रथम किस दिशा ने किया किस देश ने किया सॉरी चुंबकीय कंपास का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो वह किया था चीन ने। चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं? 2 ध्रुव, उत्तर और दक्षिण। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है? माइक्रोन। बीसीजी का पूरा नाम है बेसाइल कैलमेट यूरिन। जापानी मस्तिष्क ज्वर के रसायन किस फल में पाए जाते हैं? लीची में। दही बनाने में कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन दवा का निर्माण किससे किया जाता है? पेनिसिलिन दवा का निर्माण फफूंद से किया जाता है। सॉस चटनी में कौन सा अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है? तो एसिटिक अम्ल। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों। तो जल्द ही मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और अभी के लिए इतना ही। तो जल्दी जल्दी आप सभी वीडियोस देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी वीडियोस ना छोड़ें, कोई भी क्वेश्चन।